वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम इंडिगो सीएस कार के अंदर का जो जेवीसी 4 चैनल एम्पलीफायर है उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, मैंने एम्पलीफायर स्पीकर वगैरह निकाल के रखे हैं। तो ये राइट साइड का स्पीकर है जिसकी वायर कटी हुई थी, तो उस वायर को अभी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। उसे यहाँ तक कनेक्शन हम चेक कर लेंगे। ये लेफ्ट साइड का स्पीकर है दोस्तों, इसको भी देखेंगे। तो मैंने राइट साइड का स्पीकर फिट कर दिया है दोस्तों। तो अब हम उसको चेक कर लेंगे वो ठीक हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, ये कलर कोडिंग के अनुसार आपको चेक करना है। अगर आप कलर कोडिंग सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको सारे एम्पलीफायर की कलर कोडिंग आपको सिखा दूंगा। तो दोस्तों, हमें कंटिन्यूटी मिल रही है। तो हमारा राइट साइड का जो स्पीकर है वो ओके हो चुका है। अभी हम लेफ्ट साइड के स्पीकर को देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से मेरा हाथ अंदर नहीं जा रहा, तो एक वायर का यूज करके मैंने इस वायर को बाहर निकाला है। तो ये वायर भी कटी हुई थी दोस्तों, तो हम मैं इसे अब ज्वाइन कर लेता हूँ। ज्वाइन करने के बाद आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है। अब इस वायर को हम स्पीकर के साथ अटैच कर देंगे। अब मैं इसे हल्के से लगाऊंगा दोस्तों, ज्यादा फिट नहीं लगाना है। तो लगा दिया है। अब हम मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगा के इसके कनेक्शन भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा प्रॉब अंदर नहीं जा रहा था, तो मैं एक पिन का यूज कर रहा हूँ। चाहे तो आप सिम रिजेक्टर पिन का भी यूज कर रहे थे तो यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारा लेफ्ट साइड का स्पीकर भी ऑन हो चुका है दोस्तों। तो अब हम उस स्पीकर को फिक्स कर देंगे। देखिए दोस्तों, मैंने वायर वहां से डाली थी, तो मुझे अब वायर बाहर निकलने में आसानी हो रही है। तो अब इस वायर का कुछ काम नहीं, अब इसको निकाल लेते हैं और स्पीकर को अच्छे से फिट कर देंगे। इसके ऊपर स्क्रू भी लगा देंगे दोस्तों। तो अब हम एम्पलीफायर के कनेक्शन कर लेते हैं। इसको अच्छे से फिक्स करना है दोस्तों, और एंटीना की वायर भी लगाना भूलना नहीं। तो एम्पलीफायर को अंदर अच्छे से फिक्स कर लेना है। अभी हम गाड़ी ऑन करते हैं। तो गाड़ी ऑन हो चुकी है दोस्तों। अब एम्पलीफायर के स्विच को भी ऑन करेंगे। तो एम्पलीफायर का स्विच ऑन कर दिया है। तो एम्पलीफायर हमारा ऑन हो चुका है दोस्तों। मैंने इसे बाहर से बीटी द्वारा कनेक्ट कर लेना है, जो कि हमने यूएसबी द्वारा लगाया है। इसका नाम बीटी डोंगल है दोस्तों। हम इसे सर्च करके कनेक्ट कर लेंगे। इस तरह छोटे छोटे काम के भी बहुत सारे पैसे लिए जाते दोस्तों। तो आप भी मेरे चैनल पर ये सीखकर आप अपने घर पे ही अपना बहुत सारे चीज़ें रिपेयर कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। तो दोस्तों, मैं वॉल्यूम को बढ़ा देता हूं अभी। तो ये स्पीकर बहुत अच्छे से काम कर रहा है दोस्तों। राइट चैनल के स्पीकर भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है।
तो हमारा एम्पलीफायर ओके हो चुका है दोस्तों। ये वाइब्रेशन भी कर रहा है दोस्तों। अभी बेस आने पर ये बहुत ही अच्छा जंप करता है दोस्तों। ये फुल रेंज स्पीकर है सोनी का। ये टू वे क्रॉक्सल स्पीकर है दोस्तों। अगर आप इस स्पीकर को लेना चाहते हैं तो मैं इसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे चैनल पे जो भी दिखाई जाने वाली चीज़ है दोस्तों, उसे आप लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से जंप कर रहा है। अपना काम ओके हो चुका है दोस्तों। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।